बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मोहम्मद अनस, फूड साइंटिस्ट फ्रॉम मुल्तान। वेलकम टू फूड साइंस हब चैनल। दिमाग इंसानी जिस्म का एक अहम उज्व है। ये हमारी तमाम सोचों, ख्यालात और हमारे तमाम अफ़ाल का एक बुनियादी मरकज़ है। दिमाग के बगैर इंसान जिंदा तो रह सकता है लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। लेकिन दिमाग का फ़ायदा उस वक़्त है जब आपकी याददाश्त मजबूत हो। तो आज की इस शानदार वीडियो में मैं आपको ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा और ऐसी गोल्डन टिप दूंगा जिस पर आप अमल करके अपनी याददाश्त को हैरतअंगेज़ तौर पर बढ़ा सकेंगे। दिमाग के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में पहले नंबर पर बादाम आता है। बादाम विटामिन ई, फाइबर, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो कि दिमाग के खुलियों की हिफाजत और नशोनुमा के साथ साथ दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। अगर आप बादाम के इस्तेमाल से अपने दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोज़ाना 7 से 8 बादाम रात भर पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतार कर निहार मुँह खाएँ। दूसरे नंबर पर डार्क चॉकलेट आती है। ये हमारी याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए एक मुनफरिद शय है। ये ना सिर्फ हमारी याददाश्त को मजबूत बनाती है बल्कि हमारे आसाब को भी ताकत देती है। तीसरे नंबर पर सब्ज पत्तों वाली सब्जियां आती हैं, जिसमें साग, पालक और सलाद पत्ते वगैरह शामिल हैं। इनमें विटामिन ई, फोलेट और मैंगनीज मौजूद होता है, जो कि दिमागी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। सब्जियों में मौजूद विटामिन ई दिमागी सेल्स की हिफाजत करता है, फोलेट दिमागी बीमारियों को कम करता है और मैंगनीज दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। चौथे नंबर पर दिमाग के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में मछली है। मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मकदार में मौजूद होता है, जो कि ना सिर्फ दिमाग के सेल्स की हिफाजत करता है जिससे दिमाग को अपने अफाल सर अंजाम देने में मदद मिलती है। पाँचवें नंबर पर अंडे शामिल हैं, जिनकी अफादियत से शायद ही कोई नावाकिफ हो। अंडों में भरपूर मकदार में विटामिन B6 और विटामिन B12 शामिल होते हैं, जो कि ना सिर्फ दिमाग को ताकत देते हैं बल्कि जिस्म को एनर्जी भी मुहैया करते हैं। अब मैं आपको वो गोल्डन टिप दूंगा जिस पर आप अमल करके बहुत जल्द हैरतअंगेज़ तौर पर अपने दिमागी सेहत को बेहतर बना सकेंगे। इसमें पहले नंबर पर आपकी ग़िज़ा का इंतखाब आता है। ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जो कि आपके दिमाग को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, जिससे आपके दिमागी सेहत बेहतर हो। रोज़ाना वर्जिश की आदत अपनाएं, क्योंकि रोज़ाना वर्जिश करने से आपके दिमाग में खून की रवानगी बेहतर होती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग एक्टिव रहता है। अपनी नींद को पूरा रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके दिमाग को दोबारा एनर्जी हासिल करने में मदद मिलती है। एक सेहतमंद दिमाग के लिए तकरीबन रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद दरकार होती है। ऐसी सरगर्मियों और खेलों में हिस्सा लें जो कि आपके दिमाग को चैलेंज करती हैं। इससे आपके दिमाग की नशोनुमा और सेहत बेहतर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और अगर आप फूड के बारे में कोई भी वीडियो चाहें या फूड के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।